नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मैट्रिक परीक्षा टॉप 5 में लड़के लड़कियों के बीच रहा बराबरी का मुकाबला। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर चल रही वोटिंग, अब एक क्लिक से पाए जमीन का रिकॉर्ड। बिहार में अब नहीं चलेगी अफसरों की मनमानी। IPL 2023 का आज बजा विगुल, इस बार यह कुछ है खास। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मैट्रिक परीक्षा टॉप 5 में लड़के लड़कियों के बीच रहा बराबरी का मुकाबला। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज यानी कि 31 मार्च को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। बता दें कि यह रिजल्ट बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर घोषित की गई है। बता दें कि इस परीक्षा में कुल 81.0% विद्यार्थी पास हुए हैं। मालूम हो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में इस साल 16,37,414 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 8,31,213 छात्राएं थी, तो वहीं 8,06,201 छात्र शामिल हुए थे। वहीं अगर टॉपर की बात करें तो प्रथम स्थान पर 489 अंकों के साथ शेखपुरा के इस्लामिया हाई स्कूल के मोहम्मद रुमान बने, तो वहीं दूसरे स्थान पर 486 अंकों के साथ नम्रता कुमारी और ज्ञानी अनुपमा के नाम है, और तीसरे नंबर पर 484 अंकों के साथ संजू कुमारी, भावना कुमारी और ज्ञानेंद्र कुमार पंडित के नाम शामिल है। मालूम हो कि इस बार परीक्षा के परिणाम में टॉप 5 की सूची में लड़के और लड़कियों का बराबरी का दबदबा दिखा। एक तरफ जहां लड़कों की संख्या 11 रही, तो वहीं लड़कियों की संख्या 10 रही। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर चल रही वोटिंग। बुधवार शाम 4 बजे से बिहार विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है। वहीं अब इन 5 सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया 31 मार्च यानी कि आज शुरू हो गई है। बता दें कि 31 मार्च को हो रही वोटिंग की शुरुआत सुबह 8 बजे से हो चुकी है, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके अलावा मतों की गणना 5 अप्रैल को की जाएगी। बता दें कि इस चुनाव में 48 उम्मीदवार अपना किस्मत मैदान में आजमा रहे हैं। वहीं आम सभी चुनावों की तरह ही इस चुनाव में भी मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद हो गए थे। बता दें कि आज हो रहे इस चुनाव में 2.75 लाख मतदाताओं के द्वारा 631 बूथों पर वोट किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें सारण स्नातक क्षेत्र, गया शिक्षक क्षेत्र, कोसी शिक्षक क्षेत्र और सारण शिक्षक क्षेत्र के नाम शामिल है। मालूम हो कि चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से ली जा रही है। अब एक क्लिक से पाए जमीन का रिकॉर्ड। बहुत जल्दी बिहार के लोगों को जमीन का रिकॉर्ड जानने के लिए सरकार की ओर से नई सुविधा मिलने वाली है। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा एक ऐसा ऐप लॉन्च किया जाने वाला है, जिसकी मदद से लोगों को केवल एक क्लिक से सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी जानकारी बीते दिन गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता के द्वारा समस्तीपुर जाने के दौरान दी गई। मालूम हो कि इस ऐप की शुरुआत होने से पहले जहां लोगों को नक्शा लेने के लिए लंबी लाइनों में लगना होता था, अब उन्हें उनके जमीन का नक्शा बड़ी ही आसानी से घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से निकाल सकेंगे। बता दें कि इस ऐप की मदद से जमीन मापी के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है, हालांकि इसकी समय सीमा निर्धारित की जाएगी। इंटर परीक्षा 2023 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी। वैसे बच्चे जो अपने इंटर परीक्षा 2023 में दिए गए नंबर से संतुष्ट नहीं है और अब तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि इंटर परीक्षा 2023 स्क्रूटनी के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ऑनलाइन आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब तारीख को बढ़ाकर 29 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कर दिया गया है, यानी कि अब परीक्षार्थी 1 अप्रैल 2023 तक बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई फॉर स्क्रूटनी पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने के लिए परीक्षार्थियों के पास एडमिट कार्ड पर लिखित रोल कोड, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और स्टूडेंट्स को IIT और NIT पटना करेगा प्रशिक्षित। IIT पटना और NIT पटना बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और स्टूडेंट्स और शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा। बता दें कि अलग अलग उभरते हुए क्षेत्रों में स्टूडेंट्स और शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाना है। प्रशिक्षण देने की तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार कंप्यूटर साइंस, ब्लॉक चैन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बायोमेडिकल और रोबोटिक्स साइंस, डेटा साइंस, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, साइबर सुरक्षा, 3D एनिमेशन और ग्राफिक्स और मशीन लर्निंग आदि के संबंध में ट्रेनिंग राज्य के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स और शिक्षकों को दिया जाएगा।
बिहार में अब नहीं चलेगी अफसरों की मनमानी। बिहार में अब लोगों की शिकायत नहीं सुनने वाले अफसरों को महंगा पड़ने वाला है। दरअसल अब ऐसे अफसरों को लेकर बिहार सरकार काफी अलर्ट मोड में आ चुकी है। मालूम हो कि अब ऐसे अफसरों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी भी कई लोगों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी अफसर जनता की शिकायतों को सुनने में आनाकानी करता है तो वैसे अफसरों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही इस पत्र में यह भी जानकारी दी गई है कि अब तक सरकार की तरफ से कितने अफसरों से जुर्माना वसूला जा चुका है। बता दें कि पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार अब तक सरकार की ओर से 1144 अफसरों से करीब 24.46 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले जा चुके हैं। पटना के अस्पतालों में कोरोना को लेकर फिर से अलर्ट जारी। विगत दिनों में फिर से कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अब तक के मरीजों में कोविड होने की पुष्टि नहीं हुई है। मामलों में बढ़त के कारण दूसरे प्रदेश से आने वाले यात्रियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पटना शहर के IGIMS, PMCH और पटना एम्स के अस्पतालों में कोरोना को लेकर तैयारियां चल रही है। कुल मिलाकर 77 बेड आरक्षित किए गए हैं। आरक्षित बेड पर सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। अस्पताल के अन्य लोगों को यहां आना जाना बाधित रहेगा। बीते साल कोविड से होने वाली त्राही के कारण इस बार शुरू में ही कोविड जांच करने का फैसला लिया गया है। पटना लौटे तेजस्वी यादव ने बेटी को लेकर कहा ये। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पापा बनने के बाद आज पटना लौटे और पटना लौटते ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। इसी बीच जब उनसे मीडिया कर्मी से उनकी बेटी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी मैंने ट्वीट के जरिए पहले ही दे दी थी कि मुझे बेटी मिली है और मेरे पिता ने उसका नाम कात्यायनी रखा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र पर तंज कसते हुए राहुल गांधी के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह राहुल गांधी के मुद्दे पर समय आने पर केंद्र को जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग देश भर में लड़ रहे हैं और सही समय में हम लोग भी उनके साथ खड़े रहेंगे और मजबूती के साथ केंद्र सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। केंद्र सरकार की एजेंसी REC बिहार में स्मार्ट प्रीपेड लगाने के लिए देगी ऋण। बिहार सरकार की बिजली कंपनियों को 4,522.24 करोड़ रुपए का ऋण केंद्र सरकार की एजेंसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी REC बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना के क्रियान्वयन को लेकर देगी। बता दें कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर स्वीकृत कुल योजना राशि 15,074.12 करोड़ रुपए है। यदि केंद्र सरकार की एजेंसी द्वारा 4,522.24 करोड़ रुपए का ऋण मिल जाता है तो यह कुल स्वीकृत राशि का 30% हो जाएगा। बताते चले कि राज्य सरकार की गारंटी पर बिजली कंपनियों को यह राशि मिलेगी। ऊर्जा विभाग द्वारा इसे लेकर मंजूरी भी दी जा चुकी है। राजेश कुमार सिंह बने लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता। बीते दिन बिहार के नरहट जिले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के द्वारा पार्टी के नए प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया संयोजक के पद पर प्रदेश प्रवक्ता को नियुक्त किया गया है। बता दें कि जिन्हें इस पद की जिम्मेदारी दी गई है वह नरहट निवासी स्वर्गीय नागेश्वर सिंह के पुत्र राजेश कुमार सिंह है। मालूम हो कि राजेश कुमार सिंह अब चिराग पासवान के विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राजेश कुमार सिंह प्रदेश प्रवक्ता के पद पर चुने जाने के बाद पार्टी के अन्य सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि वह पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। राहुल गांधी को लेकर सुशील मोदी का बयान। एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल पटना हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें समन भेज 12 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा है। बता दें कि पटना कोर्ट के द्वारा उन्हें समन मानहानि मामले को लेकर भेजा है, जिसकी शिकायत बीजेपी नेता सुशील मोदी के द्वारा की गई थी। वहीं मोदी का दावा है कि इस मामले में भी राहुल गांधी को जरूर सजा मिलेगी। बीते दिन उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पटना कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को समन भेजा गया है ताकि वे हाजिर होकर सेक्शन 317 के तहत अपना बयान दर्ज करा सके। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सभी मोदी चोर है, जिसको लेकर मैंने पटना की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया था और कहा था कि राहुल गांधी ने देश के लाखों मोदी सरनेम रखने वाले लोगों को गालियां दी है और उन्हें अपमानित किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले को लेकर 6 जुलाई 2019 को पटना के कोर्ट में राहुल गांधी को सरेंडर करना पड़ा था और फिलहाल वह बेल पर है। सीएम नीतीश के बयान पर अश्विनी चौबे का पलटवार। बीते दिन रामनवमी जुलूस के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा सभी को रामनवमी की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह सभी जानते हैं कि कौन भगौड़ा है और कौन पलटू राम है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि वह कब पलटी मार देंगे। वह कभी इस पार्टी में रहते हैं तो कभी उस पार्टी में और लोग यह बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी बातें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा रामनवमी जुलूस के दौरान बक्सर में कहा गया।
केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं अब इस कड़ी में बिहार प्रदेश मीडिया कमेटी के चेयरमैन राजेश राठौर के द्वारा जानकारी दी गई है कि कांग्रेस के द्वारा राज्य भर में 1.5 महीने से अधिक दिनों तक जय भारत सत्याग्रह का तत्वावधान में चरणबद्ध तरीके से विरोध अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज यानी कि शुक्रवार को केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य स्तर के नेताओं के द्वारा तमाम जिला मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया है। वहीं कल यानी कि शनिवार को संवाददाता सम्मेलन तमाम अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालयों में किया जाएगा। इसके अलावा तीसरे दिन सभी के द्वारा सभी प्रकोष्ठ पदाधिकारियों और सभी अनुशासकीय संगठनों के द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा। IPL 2023 का आज बजा विगुल। इस बार यह कुछ है खास। देश की सबसे लोकप्रिय T20 क्रिकेट लीग IPL के 16वें संस्करण की शुरुआत शुक्रवार यानी कि आज से हो रही है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गत चैंपियन गुजरात टाइटंस और 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के बीच लीग का पहला मैच खेला जाएगा। बता दें कि इस बार मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, अहमदाबाद और मोहाली के अलावा कुछ मैचों की मेजबानी गुवाहाटी और धर्मशाला भी करेंगे। मालूम हो कि इस बार IPL में कुछ खास होने वाला है, जिसमें इम्पैक्ट प्लेयर टीम में शामिल किसी खिलाड़ी की जगह बल्लेबाजी या गेंदबाजी कर सकेगा। टॉस के बाद भी कप्तान अंतिम एकादश में बदलाव कर सकेंगे। वाइड और नो बॉल के लिए कप्तान ले सकेंगे DRS। बल्लेबाज के गेंद खेलने से पहले क्षेत्र रक्षक की स्थिति में बदलाव पर मिलेंगे 5 पेनल्टी रन। धीमी गति से ओवर करने पर टीमें 30 गज के बाहर केवल 4 क्षेत्र रक्षक रख सकेंगी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दी कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, दीपू गुप्ता, विपिन लाल वर्मा, हिमांशु सिंह, HK मल्होत्रा, श्रवण कुमार, ननुकुल कुमार, इंद्रभूषण रवि, अजीत पोरस, अनवर करीम खान, अनुष्का भगत, आशीष कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, शंकर मुखिया, बलबीर कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में अफसरों का आम लोगों के प्रति और उनके द्वारा किए गए शिकायतों के प्रति कैसा व्यवहार है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।